साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावों का रिजल्ट आने के बाद में जो अप्रत्याशित परिणाम सत्ताधारी पार्टी को देखने के लिए मिले, उसके बाद में वो लगातार कि इसका कारण क्या है, और जब ये कारण पर मतलब नजर डालते तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बुरी हालत। तो फिर 5 तारीख को छोड़ के 6 तारीख को, 6 जून को मतलब परसों, मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभाग बुलाए और तमाम विभागों की बैठक लेकर कहा इसमें भी क्या चल रहा है, कितने पद खाली है वो सब। और इसी क्रम में आप ये भी जानते हैं कि आज 8 जून को शाम 6 बजे फिर से बुलाया है। आज 8 जून शाम 6 बजे भर्ती बोर्ड के जितने भी अध्यक्ष हैं, एक फिर से मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद में काफी क्लियर हो जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को भी बुलाया है, यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों को भी बुलाया है, सबको। ये मीटिंग कितने बजे? आज 8 जून शाम को 6 बजे, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करने का आपके पास क्या प्लान है। इसी में ये भी पूछा जा रहा है कि जो नई पद हैं, जो नई वैकेंसी हैं, उनका आपका क्या प्लान है। हर बोर्ड को, हर विभाग को यह प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंट करना होगा, प्रेजेंटेशन है पूरी। तो अलग अलग विभाग का नंबर आएगा, वो विभाग के लोग उसे प्रेजेंट करेंगे। तो जब ये कवायद शुरू हुई है तभी अखबारों में भी आनी शुरू हुई लगातार 2-3 दिन से, और कुछ तो सीधी सीधी है कि मतलब या तो उनसे की भर्ती बोर्ड से बात हो रही है या कुछ लोग केवल सूत्रों के आधार पर कह दे रहे हैं। तो जैसे सिपाही भर्ती की परीक्षा कराने की कवायद भी शुरू, ये एक अखबार, फिर ये दूसरे में भी लिखा है सिपाही भर्ती की परीक्षा फिर कराने की कवायद भी शुरू। ये दोनों ही है, मतलब एक ही अखबार है, बस उसके एक ऑनलाइन पेपर से, एक जो सीधा आपके घर पर आता उससे। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दोबारा लेखित परीक्षा की कवायद यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने शुरू कर दी है। अब इसमें ये जो कंपनी की बात है, कंपनी का चयन, ये यहां पर सूत्रों के हवाले से ये गलत है, क्योंकि एक्चुअल में अगर कंपनी बदल के सब कुछ तो फिर आप समझ जाओ फिर नहीं होनी है भर्ती परीक्षा अभी किसी भी कीमत पर। कब मिलेगी, किसको टेंडर कब, क्योंकि कंपनी की तरफ से लीकेज नहीं था, लीकेज रास्ते में था, ट्रांसपोर्ट में। तो कंपनी, ये सारी बातें ये यहां पे मेरे विचार में असत्य है, क्योंकि फिर तो ये भर्ती ही नहीं होगी, फिर तो अब भूल जाओ कि इसका एग्जाम होना है। फिर तो ये कभी ये हो गया, आपने देखा नहीं टेंडर का 3 साल 4 साल क्या हल चला था 2022 से, तो आप हर दिन देखते थे 2022 में आया, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर 23 में आया, वो कैंसिल हुआ, कैसे कैसे मुश्किल से तो ये भर्तियां निकली है, चुनाव थे, नहीं तो ये भी नहीं होता। साथियों, इसलिए आप जाग जाओ, आप सभी इस बात को दिमाग में रख लो, ये लग नहीं रहा कि इनके कुछ अंदर से ईमानदारी नीयत है, तुम्हारी भर्ती परेशान हो जाओगे। इसलिए ट्विटर पे जाके माननीय मुख्यमंत्री को टैग करके हाथ जोड़ के कहो जी हमें एक डेट दे दो, 5 साल बाद की दे दो, डेट दे दो, हम भी तो दिमाग से फ्री हो जाएं। कब तक हम ये बस अखबारों को देखते रहे कब आएगी कब नहीं आएगी, ये गलत बात नहीं है भर्ती बोर्ड की, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, भाई भर्ती है इसको कंप्लीट भी तो कराओ, 6 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं इसको निकले हुए, तो कम से कम इसको अभी भी अगर पेपर हो जाता है तो 3-4 महीने रिजल्ट में और 6 महीने उसके बाद की प्रक्रिया के लिए चाहिए। फिर बाद में अभ्यर्थियों द्वारा जताई गई आपत्तियों को भी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे कि किसी के एडमिट कार्ड में जो गलत डिटेल्स थी वो सब। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में 6 माह के भीतर लिखित परीक्षा कराने की तैयारी। 6 कहां, यह 4th महीना चल रहा है, 10 दिन इसमें भी निकल गए, 8 तारीख है यह निकल जाएगा, 4 महीने तो ऐसे ही हो गए। फिर 18-19 फरवरी को हुई थी, जिसका यहां पे भी ये गलत दे रखा है, 18-19 को नहीं हुई थी, 17-18 फरवरी को। ये जो अखबार वाले होते हैं ना, कभी कभी मुझे इन पे बड़ा शक सा होने लगता है कि ये सोच समझकर लिखते नहीं लिखते। 17-18 फरवरी को पेपर हुआ, 18-19 को थोड़ी ना हुआ है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा को निरस्त करने के लिए 6 माह के भीतर, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुपालन में तय वक्त पर ही परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की तारीख के समय समस्त जानकारियां जल्द अभ्यर्थियों के साथ साझा की जाएंगी। तो अगर आप परीक्षा की तारीख की जल्द साझा कर रहे हो तो फिर इसमें कंपनी की बात कहां से आ गई। फिर एक अखबार में कुछ पेपर पैटर्न, तो वो बच्चा पेपर पैटर्न नहीं बदलेगा, फिर से समझ लो आप लोगों को, ये फालतू की चीजों से परेशान होने वाली बात है। इसमें मैंने कहा कि जब मैं वीडियो करूंगा तो अगर ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो तो मैं बता दूं पेपर पैटर्न सेम रहेगा, बिल्कुल वही पुराना जो है,
वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ये जो चेंज करेंगे, ये हो सकता है बायोमेट्रिक वाला सिस्टम ले आए कि सबको अपने बायोमेट्रिक देने होंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक आधार कार्ड वगैरह इससे बहुत हद तक धांधली रुक जाती है। जो दूसरे लोगों को बिठाया जाता है अपनी जगह, वो रुकने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बायोमेट्रिक पहले कैप्चर कर लो जिसका फॉर्म है। अब फॉर्म भरने वाला ही व्यक्ति अगर आपको वहां बैठा हुआ नहीं मिला, जब आपने उसके बायोमेट्रिक वेरीफाई किए, वही सुसरे को पकड़ के इतना फट्टा पेल है कि याद आ जाए उसको पूरा खानदान सात पीढ़ियां। तो ये कुछ ऐसे बदलाव है, कुछ ऐसे जिनकी डिटेल्स बच्चों की गलत हो गई है, वो सारी की सारी चीजें इनको लेकर। तो यहां भी ऐसे ही है, इनमें इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है कि यहां पे कहीं भी इन्होंने कहा कंपनी की बात इसमें नहीं है, ये जो इसमें कंपनी की कोई बात नहीं है। तो कब आए शुरू कर दिए सूत्रों के माने, यहां पर एक कंपनी की बात फिर से करी है। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा जताई गई आपत्तियों को भी दूर, सेम टू सेम बात है। तो यह भर्ती बोर्ड को बताना पड़ेगा कि भाई भर्ती बोर्ड चाह क्या रहा है, मतलब इस भर्ती को नहीं करना तो बता दे बच्चे किसी और की तैयारी करें, पर ऐसे बीच में ना डाले बच्चों को। आपकी जिम्मेदारी बनती है सभी अधिकारियों की इनको एक सही रास्ता दिखाने की कि भाई तब आपका एग्जाम इतने दिन लगेंगे, तब तक आप परेशान ना हो, तैयारी करते रहे, मन में तो आशंका ना रहे, मन में तो टेंशन ना रहे इनके। और ये बच्चे ऑलरेडी 5-6 साल से वेट करें, कितना घर वालों से समय मांगे, कितनी बच्चियां ऐसी होंगी जिनकी शादियां तय पड़ी होंगी, घर वालों से कैसे हाथ पैर जोड़ के समय मांग रही होंगी कि गर्मियों की जगह ठंडों में कर देना। 3-4 महीने बाद वो कर देना, क्या बोलते हैं उसको। तो यहां पर जो आपकी भर्ती परीक्षा की इनके अनुसार अभी जो जानकारी है, इनका कहना है कि जल्दी साझी की जाएगी, लेकिन ये बात तो सुनते सुनते परेशान हो गए, घर वालों से पैसे मांगते मांगते आप लोग परेशान हो गए। भर्ती बोर्ड अब बेवकूफ ना बनाए, अब मतलब क्लियर कह दे कि भाई अब होगा, इतने दिनों बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, 6 साल बाद होगा, 60 साल बाद होगा, डेट दे दे, लेकिन संभावित डेट ना हो, सप्ताह हो जाए, कोई महीना हो जाए। ये लोग कम से कम अपने जीवन में बहुत सुबह से शाम तक बहुत आफत रहती है दिमाग पे ऑलरेडी आप लोगों के, ये और एक नई टेंशन। तो इसके लिए मैं फिर से आप सभी से कह रहा हूं, आप लोग कल 9 जून को सुबह 9 बजे ट्विटर कैंपेन जरूर कर लो, नहीं तो दिक्कत फंस जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री जी को ये बात पहुंच जाए कि बच्चे भर्ती बोर्ड के कैलेंडर री एग्जाम की डेट को लेकर परेशान है। आपका सॉल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री जी निकाल सकते हैं, पहले भी इनोर्थ भर्ती बोर्ड वालों ने तो खूब उल्टा सीधा नहीं बोला था हम लोगों को, जब पेपर लीक के बारे में हमने बात कही थी कि गलत बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था ना बाद में, जब लखनऊ में आप लोग इकट्ठे हो गए थे। तो आप मुख्यमंत्री जी को टैग करके बताइए कि आपका भर्ती बोर्ड ये कर रहा है। और अब क्या होता है कि हम मतलब सब लोग साथ देंगे तभी इसकी डेट आ पाएंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं तो सभी से कहूंगा जितने भी इन बच्चों के लिए डेट ले आएंगे, डेट बेशक मैं कह रहा हूं किसी महीने की हो, डेट तो पता चल जाए इनको, और उसमें भी ज्यादा समय ना लगे, ऑलरेडी 5-6 साल हो चुके हैं। 18 का बंदा यार, उसकी एज 23-24 हो चुकी, जिसकी 23 थी वो 28 हो चुका, 5 साल किसी के, 5-6 साल किसी के समय की इज्जत करनी चाहिए भर्ती बोर्ड को, 6 साल उसके जवानी के बर्बाद हो गए। तो अगर अभी भी आप ट्विटर कैंपेन नहीं करोगे, भूल जाओ कि कुछ होगा, जैसा इस भर्ती बोर्ड के बयानों से लग रहा है, कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ाने की वो कवायद। अब ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, भगवान मालिक है, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स में से गड़बड़ हुई, कंपनी ने डायरेक्ट गड़बड़ नहीं करी, जैसे SI में कंपनी की गड़बड़ हुई थी, कंपनी के लोग शामिल थे, इसमें एक भी रिपोर्ट में कंपनी के लोग शामिल नहीं थे। अब कोई मतलब हाँ, वहां कंपनी से दिक्कत हुई कि उसने बक्सों पे वो डिजिटल सील क्यों नहीं लगाई, वो सब वो अलग चीज है। तो फिर नई चीज क्यों, आपकी समझ में आ रही है बात कि ये लटकाने वाली चीजें हैं, अब क्यों है भगवान जाने। आप ट्विटर कैंपेन कीजिए, नहीं तो ये सब फिर क्या फायदा इसका, 6 साल तो ऑलरेडी, और कितना तैयारी के लिए समय चाहिए आप लोगों को, 6 साल और चाहिए क्या, मेरे इतने दिन में तो IAS की कर लेते, 6-6 साल में तो उनमें से हो जाता है जो लगातार लगे रहते हैं।
आप सभी लोग कल 9 तारीख है 9 जून सुबह 9 बजे सब लोग ट्विटर कैंपेन कीजिए, राजीव कृष्णा जी को भी टैग करेंगे कि सर जवाब तो देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, फर्ज है आपका, ड्यूटी है आपकी। हम यह क्लास मैराथन पे मैराथन, हमने तो सोची कि उस दिन मैराथन हिंदी की हो गई, आज जीके की करा देंगे, जितने भी आपके 18-20 पेपर हुए उनका जीके एक बार आपको रिवाइज करा देंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आज रात को ही 10 बजे लगा रखी है क्लास, पर इनका तो लग ही नहीं रहा कि कुछ आपको डेट देंगे, हर दिन अखबार में नया एक जुमला दे देते हैं। तो आप ट्विटर कैंपेन कीजिए, कहिए इनसे, नहीं तो भर्ती फंसेगी बहुत बुरी। हमसे तो जितना हो पा रहा साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, पर अकेले के बस अकेले से नहीं होगा ये। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लोग री एग्जाम की डेट लेना क्यों नहीं चाह रहे, री एग्जाम लेने के सब लेना चाहते थे, री एग्जाम और री एग्जाम डेट नहीं लेना चाह रहा कोई, क्या पता नहीं भगवान जाने। बीमारी है, बीमारी का पता सबको चल गया है, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं कराना चाह रहा कोई, हद है यार। फिर री एग्जाम के लिए क्यों पीछे पड़े थे, एग्जाम तो हो चुका था, इससे लेना कि सही से दोबारा हो तो कब होगा वो दोबारा। मैं फिर से कह रहा हूं, जागो, तुम्ही को जागना पड़ेगा, कोई यहां किसी का साथ नहीं देता, उठाओ अपना अपना हक। तुम 43 लाख हो, 10-20 लाख भी आके ट्वीट करेंगे ना शाम को, सरकार को झुक के डेट्स निकालनी पड़ेंगी। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम भी क्या करें, हम आएगा अखबार में बताएंगे आपको, क्योंकि भगवान के दूत थोड़ी ना है कि भविष्य देख लेंगे। हम तो इसलिए परेशानी कि 6 साल कब मिलेगी ये जॉब, कब फाइनल कब होगा, कुछ कहने का मन नहीं कर रहा, मतलब अलग है। अब लोग ही नहीं चाहते कि आपको भर्ती की डेट्स मिले, री एग्जाम की डेट मिले, बस करते रहो तैयारी, कोई बात नहीं इन्फिनिटी तक।